गिद्दड़बाह तो अकाली उम्मीदवार डिंपी ढिल्लों वालों राजा वड़िंग की शिकायत की गई है। जी हाँ, भारतीय चोन कमीशन को लिखती शिकायत भेजी गई है। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद चोन प्रचार करने के इल्जाम लगे ने। जी हाँ, ढिल्लों ने राजा वड़िंग वालों किए जा रहे प्रचार दियां तस्वीरां भी सांझियां कीतियां ने, लोगों की जान को खतरे च पा रहे ने। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग यह इल्जाम लगाए गए ने ढिल्लों वालों। उन्होंने कहा कि चोन कमीशन तुरंत राजा वड़िंग को एकांतवास यानी कि क्वारंटीन च जाने के हुक्म दे। 11 जनवरी को राजा वड़िंग की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी, उस तो बाद भी इल्जामों मुताबक उस तो बाद भी वो लगातार चोन प्रचार करते रहे। तो इसे गल नूं लैके गिद्दड़बाह तो अकाली दल के उम्मीदवार डिंपी ढिल्लों वालों बकायदा तस्वीर सांझी करदिया राजा वड़िंग के उपर इल्जाम लगाए गए कि लोगों की जान को खतरे के पा के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग चोन प्रचार कर रहे हैं। तो यह शिकायत जिस दे विच स्पष्ट तौर उपर राजा वड़िंग के खिलाफ यह शिकायत दिती गई है। नाल ही न्यूज़पेपर की कटिंग भी कि राजा वड़िंग की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उस तो बाद तस्वीर राजा वड़िंग किस ढंग के नाल करोना पॉजिटिव होने के बावजूद लोगों के विचरते नज़र आ रहे हैं, लोगों को मिलते नज़र आ रहे हैं। अपने सियासी मुफाद के लिए लोगों की जान को आखिरकार खतरे के क्यों पा रहे हैं राजा वड़िंग? चोन कमीशन इस गल को लेकर आखिर कदों लेगा एक्शन, यह वेखना लाजमी रहेगा। पर तुहानू दस दईए भारतीय चोन कमीशन को कंप्लेंट दे दी गई है गिद्दड़बाह तो अकाली दल के उम्मीदवार डिंपी ढिल्लों वालों राजा वड़िंग की शिकायत चोन कमीशन को कर दी गई है। तो यह नुक्कड़ मीटिंगा भी वेख लो तुसी हो रही हैं, नुक्कड़ मीटिंगा किसी भी ढंग दियां रैलियां दे उपर पाबंदी होने के बावजूद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कि खुद को चोन कमीशन तो भी उपर समझते हैं, जो इस ढंग के नाल सभावां कर रहे हैं, इकट्ठ के उपर भी सवाल खड़े होंदे प्रतख विखाई दे रहे हैं। फिलहाल चोन कमीशन को मंग यही की गई है कि डिंपी ढिल्लों ने मंग यही की है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को तुरंत प्रभाव के नाल एकांतवास च जाण दे हुक्म दिते जाण। तां तुहानूं दस दईए इल्जामां मुताबक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने करोना पॉजिटिव होण तों बावजूद करोना पॉजिटिव होण तों बाद यह चोण प्रचार किया। यह इल्जाम डिंपी ढिल्लों वालों लगाए गए ने। अज आप जी इस करके बुलाया गया जी कि पंजाब सरकार के ध्यान हित लिया वास्ते, खास करके अपने इलैक्शन ऑबजरवर साहब दे, कि मैं हैरान हाँ कि मैं एक एप्लीकेशन दिती सी जी साढ़े सत्कारयोग साबका कैबिनेट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के अगेंस्ट कि उन्होंने कोविड हो चुका और उन्होंने आराम की बड़ी सख्त जरूरत सी। ये न्यूज़पेपर्स दे विच आया सी, तुसी आ देखो एक ये न्यूज़पेपर दे विच आया भी वह कोविड दे मरीज़ हो चुके हैं, उन्होंने कोविड हो चुके हैं। फिर एक एस न्यूज़पेपर दे विच आया जी कि कोविड दे मरीज़ हो चुके हैं। पर साढ़े मंत्री जी 11 तरीक दी न्यूज़ आई गई है जी ये कोविड दे शिकार हो चुके हैं। और आ देखो तुसी मेरी एप्लीकेशन गई भी आ, मंत्री जी ने एक दिन भी आराम नहीं किया और शरेआम कानून दियां धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड होने के बावजूद पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, पब्लिक नूं संबोधन कर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, उत्थे बजुर्ग भी आ, बच्चे भी आ, सारे दे विच विचर रहे हैं। तो मैं इलैक्शन कमिश्नर साहब नूं भी हथ बन के बेनती करना कि इन्हां नूं कोविड दियां डायरैक्शनस दिओ, इन्हां नूं क्वारंटाइन कराओ, इन्हां ते सख्त कार्रवाई करो, क्योंकि इन्हां दे करके अगर किसी ते जानी माली नुकसान हो गया किसी बच्चे दा या किसी बजुर्ग दा या किसी नौजवान साथी दा, किसी भी पिंड दे विच उहदे जिम्मेदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग होणगे। मैं सख्त लफ्ज़ां दे विच कह रहा ये एक तुरी फिरदी 302 फिरदी आ, किसी नूं भी कोविड हो गया अगे बहुत जाना गवा चुके हैं। ये रिस्पोंसिबल साफ तौर पर या तो इलैक्शन कमिश्नर होणगे या फिर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग होगा। सो प्लीज़ मेरी ये हथ बन के बेनती है जी, इन्हों नत्थ पाओ, अंदर बंद करो।
ਤਾਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।